उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार यानी 7 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2021 की अंतिम आंसर की को जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था वह आंसर की को आधिकारिक वेबसाइट updlet.gov.in पर जाकर चेक करके और डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा यूपी टीईटी परीक्षा का परिणाम 8 अप्रैल 2022 को घोषित किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बना के रखें। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड की ओर से यूपी टीईटी 2021 का आयोजन 23 जनवरी 2022 को राज्य के विभिन्न जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया था। वहीं इस परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश से 21 लाख से भी अधिक उम्मीदवारों ने अपना पंजीकरण कराया था और वहीं 18 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। इससे पहले यूपी टीईटी का आयोजन 28 नवंबर 2021 को होना था लेकिन पेपर लीक होने के कारण इसको रद्द कर दिया गया था। बताते चले कि उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट updlet.gov.in पर जाना होगा, फिर होम पेज पर दिखाई दे रहे नोटिफिकेशन के सेक्शन में जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर दिखाई दे रहे यूपी टीईटी 2021 की उत्तर कुंजी से संबंधित लिंक पर क्लिक करके इसके बाद इसे चेक करके डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं यूपी टीईटी एक राज्य स्तरीय परीक्षा है जो साल में एक बार आयोजित की जाती है ताकि उम्मीदवार उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूलों में प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 और उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 6 से 8 के पढ़ाने के लिए योग्यता प्राप्त कर सके। उत्तर प्रदेश सरकारी शिक्षक की पात्रता यूपी टीईटी टेट से तय होती है। यूपी टेट 2021 परीक्षा के बीच जितनी रुकावट आई कुछ वैसा ही हाल ही में यूपी टेट रिजल्ट के साथ ही हुआ है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी रिजल्ट 2021 में सफल होने वाले उम्मीदवार का यूपी टेट सर्टिफिकेट आजीवन मान्य होगा। बताते चले कि इससे पहले इसकी समय सीमा 7 साल की होती थी। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो जाने के बाद ही यूपी टेट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।